वैदिक मंत्रोच्चार के साथ नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह की शुरुआत हो गई है और बस कुछ ही देर में पीएम मोदी इस नए संसद भवन का उद्घाटन कर देंगे। आपको बता दें कि अनुष्ठान में पीएम मोदी के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी बैठे। धार्मिक अनुष्ठान के बाद तमिलनाडु के अधीनम संतों ने पूरे विधि विधान के साथ पीएम मोदी को सेंगोल सौंपा और पीएम मोदी ने सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित कर दिया, जिसकी खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई है। तदर्थम सकल प्रतिबंधक निवृत्ति पूर्वकम सफलता सिद्ध्यर्थम सर्वत्र विजयार्थम सर्वेषां जनानां सुख संतोषाभिवृद्ध्यर्थम समस्ताभ्युदयार्थम संसद भवन प्रवेशांगत्वेन। बता दें कि सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर अगस्त 1947 में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को दिया गया ये राजदंड इलाहाबाद संग्रहालय की नेहरू दीर्घा में रखा गया था। नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर सरकार 75 रुपए का स्मारक सिक्का भी जारी करेगी। वहीं पीएम मोदी कई विपक्षी दलों के बहिष्कार के बीच अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पुलिस ने पहले ही एक यातायात परामर्श जारी करके कहा है कि नई दिल्ली जिले को एक अवधि के लिए नियंत्रित क्षेत्र माना जाएगा और वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। नए संसद भवन उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र में स्थित है। पुलिस ने कहा कि अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के अलावा सीसीटीवी कैमरे से लगातार निगरानी भी की जा रही है।